हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये चैनल आप सबको आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए और सभी सरकारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यों से संबंधित लोक नृत्य के बारे में। तो आइए चलते हैं हम, और सबसे पहले देखते हैं आप आज का अपना हम पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। जो बिहू लोक नृत्य है वो हमारा किस राज्य का है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है जम्मू, दूसरा गुजरात, तीसरा असम और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ हमारा होगा असम। बिहू जो लोक नृत्य है वो असम राज्य का है। और यह जो नृत्य है वो मैं आपको बता दूं, ये वर्ष में असम राज्य में एक वर्ष के अंदर 3 बार आयोजित होता है। कितने बार आयोजित होता है? 3 बार आयोजित होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, बिहू किस जनजाति में प्रचलित है। जो बिहू नृत्य है वो किस जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यह नृत्य जो है असम के कचारी व कछारी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जनजातियों में प्रचलित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर जाएगा। आपको मैं बता दूँ, आपकी इस वीडियो में जितने भी भारत के राज्यों से संबंधित लोक नृत्य हैं वो सारे के सारे कवर कराए गए हैं। और इसी के साथ आपको किसी दूसरी वीडियो या अदर्स बुक्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नृत्य से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आपकी इस वीडियो से कवर अप हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वो है हमारा रऊफ नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो मैं आपको बता दूं, जो रऊफ नृत्य है वो हमारा, ये नृत्य हमारा जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इस नृत्य में क्या होता है, इस नृत्य में ग्रामीण प्रदेश की स्त्रियां जो होती हैं, ग्रामीण स्त्रियां जो होती हैं वो 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर, मतलब बाहें डालकर ये नृत्य करती हैं। तो हमारा यहाँ इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। ध्यान रहिए, क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आपके आते रहते हैं और आने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालबेलिया लोक नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। जो कालबेलिया लोक नृत्य है वो किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको मैं बता दूं, कालबेलिया लोक नृत्य जो है वो क्या कचारी जनजाति का है? नहीं, भेल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हमें ये जानना है कि ये किस जनजाति से संबंधित है। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कालबेलिया। तो कालबेलिया जो लोक नृत्य है वो हमारा सपेरा जनजाति से संबंधित है। इसमें ये जो नृत्य है हमारा, ये राजस्थान का नृत्य है। और इसमें जो होती है पोशाकें जो होती हैं, मतलब उनका जो पहनावा होता है तथा जो नृत्य की चाल होती है, जो डांस का उनका स्पीड या परफॉर्मेंस होता है, वो एक सर्प के समान होती है, लाइक स्नैक स्टेप होते हैं। तो इस नृत्य को कालबेलिया बोला गया है। और ये जो नृत्य है वो सफेरा जनजाति की स्त्रियां करती हैं। इसके साथ में मैं आपको इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। यहाँ पर कालबेलिया लोक नृत्य को 2011 में यूनेस्को ने इसको लोक गीतों तथा नृत्य को
मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है। किसमें स्थान दिया है? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है ये यहाँ पर। चलिए, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है टिप्पाड़ी। आपने शायद ही ये नाम सुना हो, पर हाँ मैं आपको बता देती हूँ टिप्पाड़ी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है आपका गुजरात। टिप्पाड़ी लोक नृत्य गुजरात राज्य का है और टिप्पाड़ी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा चोड़वार यानी कि सौराष्ट्र गुजरात में किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं जानती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमारे टेट में सी टेट में ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है हमसे पूछ रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सीधा सा आंसर है भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो दक्षिण भारत का नृत्य है। ठीक है, दक्षिण भारत का। अब दक्षिण भारत का कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस साइड कहीं हमारा दक्षिण की तरफ हमारा तमिलनाडु केरल कर्नाटक जैसे राज्य लगते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में दक्षिण भारत का नृत्य कौन सा है, तो आप ध्यान रखिए कुछ नृत्य जो हैं वो दक्षिणी राज्यों से संबंधित हैं। तो उनमें कौन कौन से नृत्य हैं जो दक्षिण भारत की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन जो है वही हो सकता है, पूछा नृत्य ही जा सकता है, बस उसका फॉर्मेट चेंज किया जा सकता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये जो गिद्दा नृत्य है वो एक प्रमुख लोक नृत्य, यहाँ पर हमें स्टेट दे रखे हैं, तो किस स्टेट का प्रमुख नृत्य है, तो सीधा सा इसका उत्तर है पंजाब। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कूचिपुड़ी नृत्य शैली है। कूचिपुड़ी जो है नृत्य शैली कहाँ की है? तो क्या ये नृत्य शैली हमारी असम की है? नहीं, असम में बिहू नृत्य है। क्या ये हमारी कर्नाटक की है? नहीं, कर्नाटक में यक्षगान नृत्य प्रचलित है। क्या हमारी ये केरल की है? नहीं, केरल में कथकली नृत्य प्रचलित है। तो सीधा सा ऑप्शन अब एक बचता है कि हमारा यहाँ राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कूचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वो आंध्र प्रदेश की है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था वीडियो के कि हमारा ये जो वीडियो का फॉर्मेट तैयार किया गया है वो लगभग आपके भारत के सभी प्रमुख लोक और शास्त्रीय नृत्य को पूरा कवरअप करता हुआ चलेगा। बस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आशा यही करती हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है आज का छपेली लोक नृत्य है। तो छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, हमारा सीधा सा सवाल ये है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बिहार होगा, क्या शिमला इसका आंसर है, क्या जम्मू कश्मीर या हिमाचल? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। छपेली लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य की कैपिटल क्या है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या नौटंकी और झोरा है इसका आंसर, कथकली है या कथक है, या ए और सी दोनों है? तो आप एक ध्यान दीजिए, मोस्टली लोग कथकली और कथक में सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूँ कथकली, कथकली जो है वो किसका है प्रसिद्ध, केरल का। अब देखिए ये केरल का है,
कली, कली को हम कहते हैं कली या कचनार कह देते हैं। कचनार, आपको पता है कचनार की सब्जी बनती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है केरल में। तो एक ट्रिक से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि कथक में कली आएगी, अगर कली जिसमें आ रही है वो नृत्य हमारा केरल से संबंधित होगा, और केरल में जो है कचनार की सब्जी यानी कि कली या कचनार की सब्जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पर बनती है और ये खाई भी जाती है। बाकी बचता है ये अलग हमारा कथक, तो हम बिल्कुल समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कथक जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का नृत्य है। लेकिन क्या इस ऑप्शन में हमारा ये आंसर ठीक बैठता है? नहीं, क्यों? यहाँ पर नौटंकी, झोरा और कथक यानी कि ऑप्शन डी जिसमें ए और सी यानी कि ये तीनों नृत्य हमारे आएंगे उत्तर प्रदेश राज्य के नृत्य। कौन कौन से? नौटंकी, झोरा और कथक, ध्यान रहेगा आपको। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न की श्रृंखला को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है ये है यक्षगान संबंधित है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है यक्षगान है क्या। तो जाहिर सी बात है, नृत्यों की वीडियोस पढ़ रहे हैं, नृत्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक नृत्य है। तो क्या ये कर्नाटक का है? नहीं। केरल का तो अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि कथकली है। मणिपुर का है? नहीं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी हमें पता है कि ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और मणिपुर, मणिपुर क्या नृत्य है? सबसे पहले तो यही देख लो कि मणिपुर तो एक नृत्य है ही नहीं, मणिपुर नृत्य नहीं है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या बचता है, कर्नाटक बचता है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया हुआ है ये, और यूपी टेट में भी बहुत पूछा जाता है, अदर स्टेट के टेट्स में पूछा जाता है, और सी टेट में भी कई बार आ चुका है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीटेड होता है, तो मेरा मानना ये हो जाता है कि हो सकता है इसको अगेन रिपीट कर दिया जाए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा बार आ चुका है तो नहीं आता है। कुछ होता है क्वेश्चंस का रिलेशंस होता है एग्जामिनर की टीम के साथ, कि आयोग के साथ, कि बार बार उसको रखना है, उनका कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको रखना ही रखना है। उसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है। अच्छा, अगर वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको तैयार हो जाती हैं। जितना हम अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेट करके इस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ईजिली तैयार हो जाती हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर दे रखा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है, मतलब चरकुला जो एक नृत्य है वो कहाँ का है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस ये हैं आपके यहाँ, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। क्या ये उड़ीसा का है, ब्रजभूमि का है, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है वो ब्रजभूमि से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है। आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है सुई सिनी लोक नृत्य। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुई सिनी लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो नृत्य है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है दोस्तों, और मणिपुर, असम, बंगाल इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि एक पाइका नृत्य है, पाइका, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, मैं आपको थ्री ऑप्शन दूंगी। फर्स्ट आपका है मणिपुर, ठीक है, ध्यान दीजिए। सेकंड आपका है बंगाल, ठीक है, और थर्ड आपका है ऑप्शन झारखंड, ठीक है, थर्ड आपका ऑप्शन है झारखंड। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, बंगाल, झारखंड। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर आपको बेहतर वीडियोस चाहिए